एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बनाने जा रहे हैं मेवा पाक। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप ये रेसिपी देखकर इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसमें एक ही गोला लिया है, 150 ग्राम के करीब है ये। हम इसको इस तरह से ना किस लेंगे, तो मैं आपको ये अलग से दिखाऊंगी किसने के बाद, ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये लिया है हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ में 1 कप हमने लिए हैं मखाने, 2 कप हम चीनी लेंगे और 1 कप पानी डाल के चाशनी बनाएंगे। ये हमने लिया है देसी घी, देसी घी में ही बनाना चाहिए। और मेलन सीड्स हैं 1/4 कप मैंने ये सब ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। काजू है जिसको मैंने पहले काट लिया है, बादाम है काट लिया है, और किशमिश है। और जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी तो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने इसमें बस 1 चम्मच घी डाला है, हल्का सा गर्म होते ही कढ़ाई, हम इसमें ये मेलन सीड्स डाल देंगे। मैं सबसे पहले मेलन सीड्स डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई ना बाद में गर्म हो जाती है बहुत, और ये जलने का चांस रहता है। तो एक तो आप जरूर इसको देख लें इसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी ना हो, चेक कर लें, और इसको धीमी गैस पे ना, ताकि ये जले नहीं और भुन जाए अच्छे से, इसको हम सबसे पहले सेक लेंगे मेलन सीड्स को। साथ ही साथ ना मैं इसके काजू भी डाल दूंगी क्योंकि काजू भी ना जल्दी भुन जाता है। तो ये दोनों को हम साथ भून लेंगे। बादाम में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस केवल 1 चम्मच घी डाल के हम इनको भून लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। यकीन मानिए ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बीच बीच में ना चटकने की आवाज आने लगी है, तो ये भुनना शुरू हो गया है काजू और मेलन सीड्स। ऐसे ही हम ना बादाम भी सेक लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का ये हल्का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, भुन गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी फिर से डाल देंगे और जो बादाम है ना उनको हम रोस्ट करेंगे। मैंने साबुत नहीं लिया है यहाँ पे ना कि बाद में कूटे आप, तो ऐसे करके करेंगे ना धीमी आंच पे, तो ये आसान तरीका है। यानी पहले आप तैयारी करके रख लीजिए और फिर जब बनाना है फटाफट इसको फ्राई कीजिए धीमी आंच पे, हल्की खुशबू आने लगे, हल्का कलर चेंज हो, जलाना नहीं है ड्राई फ्रूट्स को। तो ये थोड़े थोड़े घी में आप भूनें इसको, घी ही यूज करना है। और ये देखिए बादाम भुन गया है। मैंने किशमिश को ना काट लिया है, ये लंबे वाली किशमिश थी तो मैंने छोटे टुकड़े कर लिए। बस 1 सेकंड के लिए इनको भी डाल के चला देंगे क्योंकि चाशनी में जब हम डालेंगे ना तब भी ये पक जाएंगे। और देखिए बादाम का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और मखाने 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे और मखाने इसमें डाल देंगे घी के अंदर। मखाने ना जितना आप घी डालेंगे उतना पी जाते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए इनको भी अलग से भूनने के लिए। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए कुछ इस तरह का कलर ये हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गए हैं। और प्लेट में निकालने के बाद भी ना ये भुनते हैं क्योंकि जब तक गर्म रहता है ना तो भुनते हैं, तो इसलिए आपको जलाना नहीं है। ऐसे ही हम धीरे धीरे लगातार चलाते हुए क्रिस्प होने तक मखाने भी भून लेंगे। जिस ट्रे में हमको जमाना है ना बर्फी को, पाक को, उसको हमने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, तो ये आप पहले से तैयार करके रखें ट्रे, ताकि आपका समय खराब ना हो और जल्दी से बर्फी जमाते समय आपको याद आए कि घी लगाना है तो लेट हो जाएंगे। मखाने हमने प्लेट में निकाल लिए हैं देखिए, और खूब क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको ना कूट लेंगे, या तो कटोरी की सहायता से या इमाम दस्ते में थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। और फिर से कढ़ाई में हमने 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है, चम्मच मतलब टीस्पून, तो बहुत ज्यादा घी इसमें नहीं यूज हो रहा है। और ये जो कोकोनट है ना मैंने पूरा अच्छे से भर के लिया है कप को, यानी 100 ग्राम के करीब लिया है और ये छोटा सा पीस बच गया है, तो 150 ग्राम नहीं लेके मैंने 100 ग्राम किसा हुआ ये लिया है नारियल। इसको भी हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। देखिए कुछ इस तरह का हमने इसको रोस्ट कर लिया है। और अब इसी पैन को साफ करके ना हमने इसमें चीनी डाली है, 1-2 कप चीनी लेंगे हम,
और एक कप इसमें डालेंगे हम पानी, और इसको लगातार चलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे एक तार की, ठीक है ना। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है हम कटोरी से इसको ऐसे फोड़ लेंगे। इतने अच्छे सिक्के में कि आराम से देखिए ऐसे टूट जाएंगे, यानी आपको मैं यहां से दिखाऊं, ये इस तरह से करके हाथ से भी मैश हो सकते हैं। तो इससे क्या है, ये पाउडर नहीं बनेगा, अगर आप मिक्सी में बनाएंगे ना तो पाउडर बनेगा। तो इतने क्रिस्पी आप कर लें, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने क्रश कर लिया है मखाने को। एक पैन में हम दो ये 1.5 टेबलस्पून घी डालेंगे, हल्का गरम होने देंगे, बहुत तेज गरम में नहीं डालना है। और ये है गोंद, जो खाने वाली गोंद आती है ना, वो गोंद है जो बहुत अच्छी होती है, ये हमने डाल दी। पंजीरी में भी आप लोग डालते हैं। इसको हमने ना धूप लगा के पहले सुखा लिया था, अब हम इसको भून लेंगे घी के अंदर। तो ये अंदर से ताकि कच्ची ना रहे ना, तो पहले हल्के गरम घी में ही डालिए आप इसको। गोंद भूनना हमारा रह गया था तो हमने कहा गोंद भी डाल देते हैं इसमें। बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिख दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डालना है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी बनने वाला है ये पाक, मेवा पाक जो बना रहे हैं हम। और ये देखिए इस तरह से ना ये फूलना शुरू हो जाता है। और ये मैंने 3 टेबलस्पून के करीब लिया है, 1/4 से कप से कम है, 3 टेबलस्पून आप मान के चलिए। ड्राई फ्रूट्स आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए बिल्कुल आप हाथ से क्रश करेंगे ना तो गोंद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, अगर ये गीला होगा ना तो ये भुना हुआ इतना अच्छा नहीं भुनेगा। तो इसलिए पहले गोंद को जब भी बनाएं धूप लगा कर रखें, सुखा लें उसको अच्छे से, फिर बहुत तेज गर्म घी में न डालें, हल्का गर्म घी है उसी में डाल दें तो ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए जैसे ये फूलना शुरू हो गया ना, बहुत छोटा सा पीस ही किस तरह से फूल जाता देखिए। तो इस तरह से हम पूरे गोंद को फुला लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगती है रेसिपी, मेवा पाक जो हम बनाने जा रहे हैं। और ये हमारी ना परंपरागत बनता आ रहा है जन्माष्टमी पर, तो हमें कुछ ये चीजें जरूर करनी चाहिए। एक तो कुछ ना कुछ इनके पीछे ना रीजन होता है, जैसे कि ये सीजन बहुत अच्छा होता है ये सब खाने के लिए, है ना, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जरूर ये ट्रेडिशनल चीजें बनाइए, फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद ना इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून गया है, बहुत छोटे छोटे पीस हमने इसके कर लिए थे गोंद के, तो ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। और यहां हमारी चाशनी भी बननी शुरू हो चुकी है देखिए, और इसमें हम 1/4 टीस्पून ये इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको एक तार का होने तक पकाएंगे। चीनी घुल गई है, हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। इलायची की खुशबू ना इसमें बहुत अच्छी आती है, और मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूं। तो वेट करते हैं चाशनी बनने का। चाशनी में देखिए ऐसे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, और यहां मैं आपको दिखाऊं ना गोंद कैसे, बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। तो जो भी आप उठाएंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट, तो ऐसा हमारा गोंद ये भुनना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और इसमें जो पैन में थोड़ा सा घी गोंद निकालने के बाद बच गया था उसमें हमने ये मखाने रख दिए हैं ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, तो जो भी घी है वो अच्छे से पहुंच जाए सब बर्तन से। और ये देखिए गोंद को हमने इस तरह से पीस लिया है, चाशनी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये एक तार की चाशनी इस तरह से बनने लगी है, देख रहे हैं ना आप। तो इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए और चलाएंगे, क्योंकि ना बाद में भी हमें पकाना है,
सारे ये ड्राई फ्रूट्स डाल के भी हमें थोड़ा देर पकाना है। इसको इतना भी ना पकाए ना कि बिल्कुल सूख जाए। तो बहुत ध्यान से आप इसको, ये समय में ना आप बिल्कुल भी गैस छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते। चाशनी ज्यादा हो जाएगी तो मुश्किल है, कम होगी तो जमेगी नहीं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से ना एक तार, जैसे हल्का सा ठंडा होगा ना, ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये बनना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें एक तार की चाशनी बनाने के बाद ये सारा सामान इसमें डालेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें ये मखाने, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। इसके बाद इसमें ये ड्राई फ्रूट्स, देखिए कितनी बढ़िया ये रेसिपी बन रही है। आप घर में बना रहे हैं, बाहर की मिठाई का ना मैं बार बार कहती हूँ कि ये नहीं पता होता कि उसमें क्या डला है। तो बेशक आप इसमें चीनी डाल रहे हैं, पर आप ये सोचिए ना कितने सारे पीस इसमें बनेंगे, तो वो आप कितना एक पोर्शन में किसके हिस्से में कितना आएगा। ये डाल दी हमने पिसी हुई गोंद, इसको मिक्स करेंगे। और इलायची चाशनी में मिक्स करने से ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सब में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और सबसे लास्ट में हम डाल देंगे ये पिसा हुआ नारियल, गोला कहते हैं जिसको, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और कुछ देर के लिए ना, जब तक ये सारा इकट्ठा हो, हम इसको पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। मैंने इसमें खसखस नहीं डाली है, कुछ लोग खसखस भी डालते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट आप ऐसे बनाइए, बहुत बहुत यम्मी लगने वाला है। ये देखिए लगातार चलाते हुए हम इसको बनाएंगे। तो मैं जो आपको बता रही थी ना कि कितनी शुगर आप इनटेक कर पाते हैं, उसमें छोटा सा आपको पीस लेना है, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अगर हम इसको हेल्दी कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे नहीं चीनी डाली है इसमें, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, आप ऊपर से डालकर मत लीजिए। पर इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत बहुत हेल्दी, बहुत यमी लगती है घर की मिठाई। तो ये पाक बनकर तैयार है, अच्छे मन से बनाइए तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब यहां आप देखिए ये ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाए। अब आप अगर ऐसे उठाएंगे ना, तो ये चाशनी अलग और पानी अलग नहीं होगा, मतलब जैसे मिक्स हो गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स ना। तो बस ये स्टेज पे जब ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, 1-2 सेकंड्स में ही हम इसको जमाने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये सारा इकट्ठा है, मिक्स हो गया ना जैसे मिश्रण, ऐसा नहीं है कि पानी अलग है ये। तो आइए इसको घी लगी हुई ट्रे में डालते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। अब हम इसको ना फटाक से ऐसे जमा लेंगे। अब इस मिक्सचर को ना हम ठंडा होने की इंतजार करते हैं, ठीक है। 15 मिनट के बाद हम हल्के गर्म में ही ना इसमें कट लगा देंगे। तो थाली है तो थाली में लगा दीजिए, घी लगा दें अच्छे से ताकि वो आसानी से निकल जाए। ये देखिए मैंने हल्का गर्म होने के बाद ही ना थोड़ा ऐसे कट लगा लिया था, जब थोड़ा गर्म था ना तभी मैंने इसको हल्का सा कट लगा लिया था। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊं निकाल के, ये देखिए कितना बढ़िया ये पाक बनकर तैयार है। आप किसी शेप में छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कट कर सकते हैं। अगर ये चिपक जाए ना नीचे, तो आप हल्का सा फ्लेम पर ना इसको नीचे ऐसे थोड़ा घुमा लें, नीचे फ्लेम है ऊपर ऐसे, तो जो घी है वो पिघल जाएगा और आसानी से जो है आपके ये पीसेस निकल जाएंगे। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊं यहां पर कितने आसानी से, देखिए टूट रहा है और मेवाज है अंदर, कितना बढ़िया है, वाओ लवली। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग।
ये मेवा पाक जरूर ट्राई कीजिएगा और जन्माष्टमी पर ही बनाइएगा। और ये देखिए हमारा ये यमी सा लगने वाला मेवा पाक बनकर तैयार है। जरूर जरूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।